कि तुर्बत में यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में एक फर्स्ट गो में आती हैं, शिकायत आवाम की होती हैं और लोग ये महसूस करते हैं कि उनके साथ किसी न किसी हवाले से नाजायज़ हुआ है। और मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि उस बहुत सारे जगहों में लोगों के साथ नाजायजी नहीं होती, यकीनी तौर पे एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज में होती है, लेकिन गवर्नमेंट का काम यह है कि हम उसको मैक्सिमम लेवल पे ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाएं और उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता दूर करें जो शायद माजी में बहुत बड़े पैमाने पे बहुत एक ओपन अंदाज में होते थे। अगर हमने एक अच्छे ट्रांसपेरेंट एक अच्छे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तरफ कदम बढ़ाया है बशमूलियत इस असेंबली के, तो हमने उसके अंदर बतजरीज इजाफा करना है, बेहतरी करनी है, ख़राबी पैदा नहीं करनी है। हमारे मोहतरम एडवाइज़र साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कैबिनेट के मेंबर्स भी हैं, लोगों के अक्सर व बेशतर बहुत सारी चीज़ें डिपार्टमेंट्स के हवाले से आती हैं और यही जमहूरियत की एक खूबसूरती इसी में है कि आप अपने इन इदारों के अंदर जो भी कमज़ोरियाँ होती हैं उनको हम तक बताया भी जाए और उनके ऊपर आगे फिर हम कोई काम भी कर सकें। इस बात की आप इंशाल्लाह तसल्ली, पहले भी मैंने आपको कहा था, अभी भी है, हम ये नहीं देख रहे कि उन इदारों में अफसर कौन है, किसके लगाया हुआ है, हमारा सिफारिशी है, किसी और का सिफारिशी है, किस नौयत का है, ताल्लुक़ उसका किस पार्टी से है। हम हर लेवल पे ये इंक्वायरियाँ हर डिपार्टमेंट में कराते हैं, एजुकेशन में हमने कराई हैं, हेल्थ में आती है वहाँ हम कराते हैं, फाइनेंशियल में आती है, डिपार्टमेंट्स में आती हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में कोताहियाँ आती हैं, डिपार्टमेंट्स की फंक्शनैलिटी भी आती हैं, स्कूल्स में मास्टर्स की आती हैं, डॉक्टर्स की आई हैं। हमने यहाँ तक कि ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल पहली दफ़ा होगा कि सिटिंग सेक्रेटरी भी सस्पेंड इसी गवर्नमेंट ने किया और माजी में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने कोई सिटिंग सेक्रेटरी को सस्पेंड भी नहीं किया। ये शायद और बैठे हुए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, इनका डिपार्टमेंट है, लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे बेकायदगी होती है, बहुत सारी जगहों पे करप्शन भी होती है, बहुत सारी जगहों पे अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं करना भी होता है, ये सारी चीज़ों का मजमुआ निकलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको कहा कि हम स्पेयर नहीं करते, जहाँ जहाँ यकीनी तौर पे हमें बहुत सारे CMIT है, हमारी एंटी करप्शन इदारा है, इनको यकीनी तौर पे अपने लीगल तरीके और इनको सारी चीज़ों के लिए अपना मुआद भी इकट्ठा करना होगा, क्योंकि हम जिसकी सस्पेंशन करेंगे, हम जिसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वो पूरा फिर हक रखता है कि वो कोर्ट तक जाता है। और यकीनी तौर पे कोर्ट पे वो जब जाएगा और हमारे पास शवाहिद इस हवाले से नहीं है, इस हवाले से इंक्वायरी हमारी मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर मटीरियल उस हवाले का नहीं है, तो कल को कोर्ट से बड़े आराम से अपना केस इस बिना पर जीत सकता है कि हुकूमत की कमज़ोरी इस हवाले से रही कि हम सही शवाहिद नहीं दे सके। तो मैं यकीनी तौर पे आप इस बात का इत्मीनान रखें, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम, इस चीज़ को हमने ओवरकम करना है। और ख़ासकर जिन चीज़ों की तरफ आज अख्तर साहब आपने इशारा किया है, इन चीज़ों की गुंजाइश किसी सूरत तो बन ही नहीं सकती है कि आप ऐसा कोई तरीक़ेकार हो जिसमें कि कोई इंटरव्यू में भी शामिल ना हो, कोई टेस्ट भी ना दे, कोई इसी तरह की आके भर्ती हो जाए। ये एक फेज़ है, हम बलूचिस्तान की उस फेज़ में हैं जहाँ लोग शायद बहुत सारी चीज़ों पे इस तरह के प्रैक्टिस में वाकिफ भी नहीं है और यूज्ड टू भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें असेंबली की तरफ से आ रही हैं, डिपार्टमेंट्स अपनी तरफ से इनिशिएट ले रहे हैं, हमारे पास तकरीबन 2-3 मेकैनिज़म्स हैं, 2-3 सेल्स हैं, हम उन पर एक्शन ले रहे हैं। और इस हाउस को मैं कम अज़ कम इस हवाले से पूरी तसल्ली देता हूँ, CMIT की रिपोर्ट जिस तरीके पे उन्होंने हमसे प्रपोज़ल मांगेंगे, हम उसी प्रपोज़ल की इजाज़त उनको देंगे। मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर इस बात की निशानदेही डेफिनेटली की गई है कि जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ किसी किसी मेकैनिज़म में है, उसकी तरतीब एक बनाई जाए, और उसी तरतीब के लिए CMIT को मैंने आगे कहा है कि आप डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट्स स्ट्रक्चर बनाएँ कि आपने किस तरतीब से इसकी आगे इंक्वायरी करनी है, किन किन जगहों पे करनी है, किन किन लोगों से करनी है, क्योंकि इसमें एक टेस्टिंग सर्विस भी है, इसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, इसमें डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर उनके ऑफिसेज की कमेटी भी है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है और हमने इन सारे प्रोसेसेस को सही करना है। यहाँ तक कि हमने अपने सेक्रेटरीज की ये ड्यूटी भी लगाई कि हमें बहुत सारी शिकायत ये भी मिल रही थी कि शायद लोग इम्तिहानात के दौरान, पर्चों के दौरान,
बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनकी तस्दीक नहीं की जा रही, तो बाकायदा सेक्रेटरी साहिबान डिस्ट्रिक्ट्स में गए, एग्जामिनेशन हॉल्स में गए, बाकायदा हर सेंटर का उन्होंने मुआयना भी किया और उन पेपर्स पे साइन भी किया है, एज अ विटनेस साइन किया है। तो इंशाल्लाह ये एक, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस हवाले से भी है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर ये जो इंटरव्यूज़ अभी और पोस्टों को हम फिल कर रहे हैं, 13 से 15 हज़ार पोस्टें जहाँ फिल होने जा रही हैं, यकीनी तौर पे उनमें बहुत सारी ऐसी शिकायत भी होंगी कि हम अमूमी तौर पे बहुत दफ़ा सोशल मीडिया में या अपने लिहाज से करते हैं कि जी मेरा घर नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम में बहुत ख़राबी है। आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट आएगी, असम्बली के सामने आएगी, और जो भी कमज़ोरियाँ हैं, चीज़ें हैं, उन सबको हम शेयर करेंगे और हसब ज़रूरत जो भी होगा वो एक्शन भी इन